साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है, और अगर आवाज वगैरह साथियों क्लियर मिल रही है तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज का ये वीडियो भी काफी अहम है यूजीसी नेट के लिए, और साथ में अगर आपने साथियों यूपी से पीजीटी और टीजीटी का भी फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल और फायदेमंद होगा ये वीडियो। ओके, चलिए ठीक है। नेहा रहमान, ओके, अफसाना खातून और आजू परवेज, सभी लोग बताएंगे साउंड वगैरह क्लियर है जी। ओके ओके, और रजिया शाहीन, फातिमा कौसर, ओके चलिए। एमडी सादिक सलाम, और शबनम नेटवर्क के आमीन, अमीना खान जी, चलिए। तो साथियों सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। साथियों यूनिट फोर में आपको मैंने बताया था कि जो उर्दू नज्म पढ़ना है उसमें सबसे पहले कल हमने जिस टॉपिक पे चर्चा की थी, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, वो है साथियों नजीर अकबराबादी। नजीर अकबराबादी के बारे में कल हमने पढ़ा था काफी डिटेल में और चीजों को हमने समझा था, और आज हम लोग साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद के मुतालिक पढ़ेंगे। तो मोहम्मद हुसैन आजाद के मुतालिक हयात व खिदमात पढ़ेंगे और लास्ट में एक छोटा सा मॉक टेस्ट लगाएंगे। साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों बिल्कुल इत्मीनान से चीजों को आपको समझना है और एक एक बारीकियों को, क्योंकि कुछ लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर ऐसे सवालात पूछे नहीं जाते हैं। देखो जब आप थ्योरी बेस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस टाइप के सवालात नहीं पूछे जाए, जब सभी को मिक्स कर दिया जाएगा तो उस समय आपको लगता है कि ये बहुत हार्ड सवालात है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको मैं गुलजार नसीम है, किस्सा गुल बकावली है, इसी तरह आपको साथियों कुदमराव है, वो सब के अभी आपको सवालात लाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन जिसमें मैं उसको पढ़ा रहा था उसमें आपके लिए बहुत आसान थे। तो इसलिए जब आप थ्योरी जान लेंगे तो वो सब जानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके चलिए, तो मोहम्मद हुसैन आजाद का असल नाम मोहम्मद हुसैन था। क्या नाम था साथियों? मोहम्मद हुसैन था। और ये तखल्लुस आजाद क्या करती थी? अगर मैं बात करूं साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद के बारे में, तो इनके वालिद मोहतरम का नाम था मोहम्मद बाकर, और कहीं कहीं पर आपको साथियों मौलवी मोहम्मद बाकर भी आता है, याद रखिएगा, कहीं कहीं पर मौलवी मोहम्मद बाकर या फिर बाकर भी, सिर्फ मोहम्मद बाकर भी आता है। इनकी वालिदा का नाम था साथियों अमानी बेगम। क्या नाम था साथियों? अमानी बेगम इनकी वालिदा का नाम था, और इनके दादा का नाम था साथियों मोहम्मद अकबर नाम था। क्या नाम था इनके दादा का? नाम मोहम्मद अकबर इनके दादा का नाम था। और अगर मैं बात करूं साथियों पैदाइश के बारे में, तो इनकी जो पैदाइश है 10 जून सन 1830 ईस्वी को दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी साथियों? तो मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई थी साथियों? 1830 ईस्वी को जी। तो आप याद रखिएगा। अच्छा एक चीज बताइए साथियों, 1830 ईस्वी में किसी की वफात हुई थी जी? कल मैंने आपको बताया था कि साथियों नजीर अकबराबादी जो है उनकी पैदाइश कब हुई थी, हालांकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था 1735, लेकिन नेट जीआरएफ में साथियों 1740 मानता है, ठीक है। और इनकी जो वफात है नजीर अकबराबादी की साथियों कब हुई थी? तो 1830 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1830 ईस्वी में हुई थी। तो इसी तरह साथियों आपको मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश जो है वो 1830 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? दिल्ली में हुई थी, ठीक है जी। कुछ लोग मीर तकी मीर बोल रहे हैं जी। उसके बाद आगे है साथियों इनकी जो वफात है 22 फरवरी सन 1910 ईस्वी को लाहौर में साथियों, कहां हुई थी? लाहौर में हुई थी। देखिए पैदाइश अगर आपको याद हो चाहे नहीं याद हो, लेकिन जाए पैदाइश यानी कहां पैदा हुआ कौन शायर, ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश जो है दिल्ली में हुई थी,
और इनकी जो वफात है साथियों लाहौर में हुई थी। नजीर अकबर आबादी की पैदाइश जो है साथियों वो कहां हुई थी, तो दिल्ली में पैदाइश हुई थी। ये चीजें आपको मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद अगर साथियों मैं बात करूं तो मोहम्मद हुसैन आजाद का खानदान ईरान से कश्मीर आया था, जिस तरह साथियों गालिब के आबा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे, इसी तरह मोहम्मद हुसैन आजाद का जो खानदान है ईरान से साथियों कहां आया था, कश्मीर आया था, इसको आप याद रखेंगे। और शाह आलम सानी के अहद में दिल्ली आ गया था जी, यानी शाह आलम सानी के जमाने में ये लोग साथियों कश्मीर से कहां आ गए थे, दिल्ली आ गए थे। इसीलिए साथियों दिल्ली में ही मोहम्मद हुसैन आजाद की क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। ओके चलिए, उसके बाद साथियों इस टॉपिक से एक चीज और आपको पूछा जाता है कि उर्दू का पहला अखबार दिल्ली अखबार, देखो आपने पढ़ा होगा कि उर्दू का पहला अखबार कौन सा है, तो एक अखबार है साथियों जिसका नाम है दिल्ली अखबार, मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम मोहम्मद बाकर ने सन 1836 में जारी किया था साथियों, ठीक है। कौन सा अखबार था, तो दिल्ली अखबार, और ये साथियों उर्दू का क्या है, पहला अखबार है। कब जारी किया था साथियों, तो 1836 में जारी किया था। कैसे याद रखिएगा, तो साथियों तरक्की पसंद तहरीक आपने याद रखा है ना कि 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, तो इसी तरह साथियों जो दिल्ली अखबार है ये 1836 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम मोहम्मद बाकर ने जारी किया था, और 1840 में कुछ तब्दीली के साथ इस अखबार का नाम साथियों रखा गया दिल्ली उर्दू अखबार, यानी इसके नाम में थोड़ा सा हेर फेर किया गया, यानी बदलाव किया गया, और इस अखबार का दिल्ली अखबार का नाम रखा गया दिल्ली उर्दू अखबार। क्या नाम रखा गया साथियों, दिल्ली उर्दू अखबार, और कब रखा गया, तो साथियों 1840 में, कब साथियों 1840 में, ठीक है जी, इसको आप याद रखिएगा। तो यहां पर आपने क्या जाना साथियों कि उर्दू का जो पहला अखबार है वो मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम जी मोहम्मद बाकर या मौलवी मोहम्मद बाकर ने 1836 में साथियों दिल्ली अखबार के नाम से शाये किया था, और फिर 1840 में इस अखबार के नाम ने थोड़ा सा मेंशन किया गया, थोड़ा सा बदलाव किया गया, और उसका नाम रखा गया दिल्ली उर्दू अखबार। क्या नाम रखा गया साथियों, दिल्ली उर्दू अखबार, इसको आप याद रखेंगे। ओके चलिए, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में तो आगे हमें कुछ और चीजें मिलती हैं, वो ये साथियों कि 20 अप्रैल सन 1848 ईस्वी को दिल्ली उर्दू अखबार में मोहम्मद हुसैन आजाद का नाम मोहतमिम की हैसियत से आने लगा। ये चीज साथियों बहुत अहम है, क्योंकि जब साथियों मौलवी मोहम्मद बाकर को क्या हो गया, फांसी पर चढ़ाया गया था, तो उससे पहले पहले ही मौलवी मोहम्मद हुसैन आजाद जो है वो इस अखबार के एडिटर बन चुके थे। तो साथियों 1848 को दिल्ली उर्दू अखबार में मोहम्मद हुसैन आजाद का नाम शाये होने लगा, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को जानते हैं, तो वो ये साथियों के 12 जुलाई सन 1857 को बहादुर शाह जफर की तजवीज पर दिल्ली उर्दू अखबार का नाम बदलकर अखबार जफर रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया साथियों, अखबार जफर रख दिया गया। कब साथियों, तो 1857 में। और आपको पता है कि हिंदुस्तान की जंगे अजीम की जो पहली लड़ाई साथियों मेरठ से चालू हुई थी वो 1857 में ही हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद साथियों हमने क्या जाना कि जो अखबार पहले साथियों क्या था, दिल्ली अखबार, वो 1836 में दिल्ली अखबार निकला था साथियों। उसके बाद 1836 के बाद इसमें कुछ मेंशन किया गया, कुछ बदलाव किया गया, और इसका नाम दिल्ली उर्दू अखबार रखा गया। फिर 1857 में इस अखबार का नाम साथियों बहादुर शाह जफर के मशवरे पर जी अखबार जफर रख दिया गया। अब आपको साथियों अगर ये पूछा जाए कि अखबार जफर किसने निकाला, तो साथियों आप क्या कहोगे, मौलवी मोहम्मद बाकर ने। अगर आपको पूछ लिया जाए दिल्ली अखबार किसने निकाला, तो आप कहोगे मोहम्मद बाकर ने। अगर आपको पूछ लिया जाए दिल्ली उर्दू अखबार किसने निकाला, तो साथियों मोहम्मद बाकर ने। गोया के इस अखबार का नाम, तीन नाम रखा गया साथियों, पहले नंबर पे 1836 में दिल्ली अखबार, दूसरे नंबर पे 1840 में
दिल्ली उर्दू अखबार, तीसरे नंबर में 1857 में अखबार जफर नाम रखा गया, इसको आप याद रखेंगे। ओके चलिए उसके बाद आगे है साथियों, मिस्टर फ्रांस टेलर जो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसके कत्ल का इल्जाम मोहम्मद बाकर पर लगा, जिसकी वजह से 13 दिसंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली उर्दू अखबार बंद हो गया और मोहम्मद बाकर को फांसी की सजा हो गई। साथियों एक तो ये वाकया है साथियों कि दिल्ली कॉलेज के जो उस समय के प्रिंसिपल थे उसका नाम था मिस्टर फ्रांस टेलर, इसकी साथियों हत्या हो जाती है, चुनांचा ये साथियों कत्ल का इल्जाम जो है ये मोहम्मद बाकर पर ही लगता है। और साथियों उस समय की जो हुकूमत थी यानी ब्रिटिश हुकूमत, उसके खिलाफ दिल्ली उर्दू अखबार में धुआंधार साथियों अशात हो रही थी और खूब उसके साथियों मुखालिफत ये अखबार कर रहा था, चुनांचा साथियों हुकूमत के निशाने पर यह अखबार था ही, चुनांचा हुकूमत ने साथियों मोहम्मद बाकर नाम आते ही इसे फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया और दिल्ली उर्दू अखबार को हमेशा हमेश के लिए साथियों बंद कर दिया गया। कब साथियों बंद किया गया, तो 1857 में ही इसे साथियों क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एक तो ये है, दूसरा ये है साथियों एक फैक्ट ये भी आता है कि मोहम्मद बाकर जो है दिल्ली से ये लोग भाग गए थे लेकिन इसको गोली से मार दिया गया था, एक कभी कहीं कहीं पर यह भी आता है। ठीक है चलिए उसके बाद आगे है साथियों, हुकूमत हिंद ने मोहम्मद आजाद को 1887 में शमशुल उलमा के खिताब से नवाजा, किसको साथियों मोहम्मद आजाद को, गोया के शमशुल उलमा खिताब जो है ये मोहम्मद हुसैन आजाद का भी है। अगर आपको पूछ ले कि शमशुल उलमा खिताब किनका है और मोहम्मद हुसैन आजाद भी हो तो साथियों याद रखना कि 1887 में शमशुल उलमा को साथियों क्या हुआ था जी, किस एजाज से तो किस खिताब से साथियों, तो शमशुल उलमा के खिताब से नवाजा गया था। ठीक है जी ओके चलिए ठीक है साथियों चलिए उसके बाद आ गया साथियों, मोहम्मद बाकर शेख इब्राहिम जौक के लंगोटिया यार थे। देखो लंगोटिया यार बोलते हैं जो लोग दरस में पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमेशा रहते हैं एक साथ, तो उनके साथ बहुत सारी बातें होती रहती है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो वही साथियों लंगोटिया यार थे, किसके, मोहम्मद बाकर और शेख इब्राहिम जौक। ठीक है अब मोहम्मद बाकर के साथियों लड़के हैं मोहम्मद हुसैन आजाद, चुनांचा मोहम्मद बाकर को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया लेकिन शेख इब्राहिम जौक तो थे, तो साथियों शेख इब्राहिम जौक ने ही किसकी साथियों मतलब इस्लाह की, किसकी, मोहम्मद हुसैन आजाद की, गोया के हम कह सकते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद जो है ये साथियों शेख इब्राहिम जौक के क्या थे, शागिर्द थे। तो इसको फिर हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद बाकर शेख इब्राहिम जौक के लंगोटिया यार थे, इसीलिए मौलाना आजाद ने जौक की शागिर्दी इख्तियार की और ईरान से वापसी के बाद अंथक मेहनत करके दीवाने जौक को मुरतब किया और अपने खर्च से छपवाया। ये भी साथियों आपको बहुत ही अहम है। देखो दीवाने जौक ये किसने लिखा, तो ये तो साथियों शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक का लिखा हुआ है लेकिन इसको मुरतब किसने किया, तो साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद ने जी। क्यों मुरतब किया, इसलिए कि शेख इब्राहिम जौक जो है मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम यानी मोहम्मद बाकर के क्या थे, लंगोटिया यार थे और साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद के शेख इब्राहिम जो थे वो क्या थे साथियों, उस्ताद मोहतरम थे। तो मुरतब करने का मतलब होता है तरतीब देना और साथियों लिखना है तो लिखे तो दीवाने जौक को किसने लिखा है, जौक ने ही लिखा है जी। जी ओके चलिए ठीक है चलिए उसके बाद आगे है साथियों, मोहम्मद हुसैन आजाद के 14 बच्चे थे, कितने बच्चे थे साथियों, टोटल 14 बच्चे थे मगर सिर्फ एक बच्चे बचे जिसका नाम आगा मोहम्मद इब्राहिम था। क्या नाम था साथियों, आगा मोहम्मद इब्राहिम था। ठीक है उसके बाद आगे है, मोहम्मद हुसैन आजाद को उर्दू का पहला तारीख नवेस भी माना जाता है। नवेस साथियों का मतलब होता है लिखने वाला। उर्दू की पहली तारीखी किताब मोहम्मद हुसैन आजाद की है साथियों, जिसका नाम आबे हयात है।
तो याद रखिएगा मोहम्मद हुसैन आजाद को उर्दू का पहला तारीख नवेश भी माना जाता है। ये कुछ चीजें साथियों जो कि मोहम्मद हुसैन आजाद के सिलसिले में थी। बराए मेहरबानी कमेंट रोक दीजिए, ज्यादा कमेंट साथियों डिस्टर्ब करता है इसलिए मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में, इनके तसानीफ के बारे में, यानी इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, तो साथियों एक नंबर में आता है आबे हयात। क्या साथियों? आबे हयात, जो कि 1880 ईस्वी में साथियों शाये हुआ। ये उर्दू शोरा का तज़किरा है जिसमें उर्दू शायरी की अहद बाहद तारीख सामने आती है। साथियों याद रखना निकातुश्शोरा मीर तकी मीर ने भी लिखा है, वो उर्दू का सबसे पहला साथियों तज़किरा है, लेकिन वो भी उर्दू शोराए कराम का तज़किरा है। तो वो तज़किरा का मतलब होता है हयातु खिदमात, जिंदगी बायोग्राफी होता है, ठीक है। तो साथियों उसी तरह आबे हयात जो है ये भी मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई है और ये उर्दू शोरा का ही तज़किरा है, इसको आप याद रखेंगे, ओके। चलिए इसीलिए साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद को कहा जाता है उर्दू का पहला तारीख नवेश, क्योंकि आबे हयात इन्होंने एक ऐसी किताब लिख डाली जिसमें साथियों उर्दू शायरी की जमाने के एतबार से हर एक शायर के साथियों क्या है तारीख सामने मिल जाती है, आ जाती है, ओके। चलिए उसके बाद आगे है साथियों दरबारे अकबरी। क्या है साथियों? दरबारे अकबरी, ये 1898 ईस्वी में शाये हुआ। इस किताब में तीसरे मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार का हालात बयान किया गया है। किसका साथियों? आपको पता है कि पहला बादशाह कौन है साथियों? तो आपको पता है कि बाबर। दूसरा मुगल बादशाह कौन है? हुमायूं। तीसरा मुगल बादशाह कौन है साथियों? तो हुमायूं का लड़का है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर के दरबार का हालात साथियों बयान किया गया है। दरबारे अकबरी नाम से किताब मोहम्मद हुसैन आजाद ने ही लिखा है साथियों, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों सुखनदाने फारस, ये आपका मोस्ट वीवीआई है, इसको साथियों याद रखना सुखनदाने फारस। इस किताब में फारसी जबान की कवायद उर्दू जबान में लिखी गई है, याद रखना साथियों। आपको यह पूछा जाता है कि सुखनदाने फारस किसने लिखा या सुखनदाने फारस के तख्लीककार कौन है, तो साथियों याद रखना यह मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है। और यह साथियों किस सिंफ में है, तो ये फारसी जबान की कवायद को उर्दू जबान में साथियों लिखी गई है, इसको आप याद रखना। ऐसे साथियों आप दरियाए लताफत भी याद रखे हुए होंगे जो कि साथियों, ठीक है। चलिए और अब यहां पे क्या चल रहा है आप लोगों के यहां मछली बाजार में बंद कर दीजिए ना कमेंट, आप लोग तो बहुत ऊपर के हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगली जो किताब है साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद की, उसका नाम है नीरंगे ख्याल। क्या साथियों? नीरंगे ख्याल, ये साथियों ये भी आपका मोस्ट वीवीआई है। एक तो साथियों आपको आबे हयात, दूसरे नंबर में है साथियों सुखनदाने फारस, तीसरे नंबर में है नीरंगे ख्याल, ये भी याद रखिएगा। ये किताब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा 1880 में शाये हुआ और इसमें 7 मजामीन है। जो पहला हिस्सा है उसमें 7 मजामीन है और दूसरा हिस्सा 1923 में शाये हुआ और इसमें साथियों टोटल 6 मजामीन है। कितने मजामीन है साथियों? 6 मजामीन है, इसको आप याद रखिएगा। गोया कि हम कह सकते हैं कि नीरंगे ख्याल जो है ये मोहम्मद हुसैन आजाद के मजामीन का मजमुआ है। किसका साथियों? मजामीन का मजमुआ है और ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो पहला हिस्सा है वो साथियों 1880 में शाये हुआ और इसमें टोटल 7 मजामीन थे और जो दूसरा हिस्सा है साथियों उसमें 6 मजामीन थे। तो गोया आप कह सकते हैं कि नीरंगे ख्याल में टोटल 13 मजामीन है। कितने मजामीन है भाई? 13 मजामीन है, ओके। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं साथियों। अगला जो है हमारा टॉपिक इसी में है कि ड्रामा अकबर। ड्रामा अकबर ये 1922 में शाये हुआ। इस किताब में मुगल बादशाह जहांगीर और मलिका नूर जहां की इष्ट की दास्तान को ड्रामे की शक्ल में पेश किया गया है। आपको पता है कि मुगल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की एक चहेती बीवी थी जिसका नाम था साथियों नूर जहां जी, जिसका नाम क्या था? नूर जहां। तो इस दोनों के इश्क की दास्तान को मोहम्मद हुसैन आजाद ने साथियों एक ड्रामा अकबर के नाम से किताब लिखा और इसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए उसके बाद आगे है साथियों, मोहम्मद हुसैन आजाद की कुछ नज्में भी है, वो हमें आपको जान लेना है कि मोहम्मद हुसैन आजाद की नज्में मंदरजा ज़ैल हैं, कौन कौन सी है। तो यहां पर याद रखिएगा साथियों, एक नंबर में आता है शबे कदर, दूसरे नंबर में आता है सुबह उम्मीद, और यूजीसी नेट जीआरएफ में ये दोनों नज्में आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। उसके बाद साथियों आता है हुब्बे वतन, उसके बाद आता है ख्वाबे अमन, उसके बाद आता है दादे इंसाफ, और उसके बाद आता है साथियों अबरे करम, और उसके बाद आगे आता है प्यारी बिल्ली, और उसके बाद साथियों नौ तर्ज़े मुरस्सा, और उसके बाद आगे है दोस्ती। एक नौ तर्ज़े मुरस्सा जो है साथियों वो हमने बागो बहार में भी पढ़ा है, लेकिन वो नहीं है यहां पर। तो साथियों नौ तर्ज़े मुरस्सा जो है ये नज्म है, क्या है साथियों ये नज्म है, इसको आप याद रखेंगे। साथियों ये कुछ चीजें थी जिसे जानना आपको बहुत ही जरूरी है मोहम्मद हुसैन आजाद के मुताल्लिक। अब आगे चलते हैं, इनके मुताल्लिक कुछ अकवाल है, कुछ कौल है। आजाद के मुताल्लिक चंद अकवाल है, आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था, ये साथियों कलीमुद्दीन का कहना है। किनका कहना है साथियों? कलीमुद्दीन का कहना, ठीक है जी। उसके बाद आगे है आजाद गप भी हांक दे तो वही मालूम होती है, ये साथियों अल्लामा शिबली नोमानी का कहना है और ये उनका कौल है। उसके बाद आगे है मोहम्मद हुसैन आजाद नसर में शायरी करते हैं और शायरी करते करते हुए नसर लिखते हैं, ये रामबाबू सक्सेना का कौल है। उसके बाद आगे है साथियों आपको जो दो नज्म है, कल हमने नजीर अकबर आबादी की तीन नज्में पढ़ी थी, एक तो साथियों मुफलिसी नामा जो कि किसकी हयत में था बताइएगा जल्दी से, मुफलिसी नामा किस हयत में था, मुखम्मस में, मुरब्बा में, मुसद्दस में, मुसब्बा में, ये मुसम्मन में बताइएगा, मुफलिसी नामा, आदमी नामा, बंजारा नामा, तीन नज्में कल हमने पढ़ी है ना नजीर अकबर आबादी की, तो वो साथियों किस हयत में वो नज्में थी बताइएगा सभी लोग, कल आप लोगों ने पढ़ा है उस क्लास को किया है जी। अगर नहीं बताएंगे तो एक एक करके जो लोग कमेंट कर रहे थे उनका नाम लूंगा, फिर उनको बताना होगा। आ ओके, देखो ये जो पहला आया है ये गलत है, सही करके बताओ साथियों। ओके ओके, अब देखो जो कमेंट कर रहे थे उनका नाम नहीं आ रहा है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग याद रखे हुए हैं। मुफलिसी है, इसी तरह बंजारा नामा आदमी नामा, ये तीनों नज्में जो है साथियों वो मुखम्मस की हयत में है। मुखम्मस का मतलब ये है कि इन नज्मों में साथियों टोटल पांच मिसरे हैं, पांच मिसरा मिलकर एक बंद बना है, यानी एक शेर बना है, ठीक है। अब साथियों आज जो हम पढ़ेंगे मोहम्मद हुसैन आजाद की नज्म शबे कदर है या फिर सुबह उम्मीद है, ये दोनों नज्में जो है साथियों ये मसनवी की हयत में है। मसनवी की मतलब ये होता है कि इसमें दो दो मिसरा होगा, कितने मिसरे होंगे साथियों? दो दो मिसरा होगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ओके चलिए, अब आप देखो साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद की नज्म शबे कदर मसनवी की हयत में लिखी गई है। अब मसनवी का मतलब होता है कि इस नज्म में दो दो मिसरे होंगे, ठीक है, और साथियों नज्म सुबह उम्मीद भी मसनवी की ही हयत में लिखी गई है। अब आपको यह पूछ लिया जाएगा कि साथियों क्या जी, आपको पूछ लिया जाएगा कि बंजारा नामा, आदमी नामा, मुफलिसी, ये दो तीनों नज्मा जो है किस हयत में है, तो मुखम्मस आपने देखा है, और अगर शबे कदर सुबह उम्मीद पूछ ले तो ये साथियों मसनवी की हयत में है। मसनवी कहने का मतलब ये हुआ कि साथियों ये दो मिसरे में है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर जब ये मसनवी है तो फिर नज्म कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने कल ही आपको दिया था कि साथियों उर्दू नज्म के अंदर जो है गजल को छोड़कर जितने भी असनाफ हैं वो सभी के सभी साथियों नज्म में आते हैं, सिर्फ नसर को छोड़कर। कसीदा है ये भी आपका नज्म में आएगा, मसनवी है नज्म में आएगा, मर्सिया है नज्म में आएगा, रुबाई है नज्म में आएगा, कता है नज्म में आएगा, जितनी भी सिर्फ हो सकती है साथियों गजल को छोड़कर शेर व शायरी में वो तमाम के तमाम नज्म में आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए
ये साथियों नज्म शबे कदर के कुछ मिसरे हैं जो आपको एक बार देख लीजिए। नज्म शबे कदर है कि ए आफताब सुबह से निकला हुआ है तू, आलम के कारोबार में दिन भर फिरा है तू। ठीक है, ये देखिए दो मिसरा है इसमें। उसके बाद अगला मिसरा है साथियों, है रोज शब जमाने के पे हम कदम तेरे, पैमाने मेहनतों के ये है बेशो कम तेरे। ठीक है, ये हमारा अगला शेर है। तो साथियों ये दो मिसरों मिलाकर एक शेर बनाया। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मैंने लाया है, हालांकि पूरे शेर को पढ़ने के लिए आपको नेट का सहारा लेना होगा या फिर आपको किताबों की दुनिया में जाना होगा। उसके बाद साथियों ये सुबह उम्मीद के कुछ नज़्में हैं। जब किया सुबह ने रोशन फलक मीनाई, बिस्तरे ख्वाब से मैं लेके उठा अंगराई, आंख मलकर जो नजर सोए मैदाने जहां, जर्रा जर्रा में नजर आया रूखे जाने जहां। देख रहे हो साथियों, एक मिसरा दो मिसरा, एक शेर हो गया, एक मिसरा दो मिसरा, ये दो शेर हो गया। हालांकि कल जो मैंने आपको बंजारा नामा या मुफलिसी नामा बताया था उसमें साथियों एक मिसरा यहां पर भी था, तो गोया कि टोटल पांच मिसरा उसमें था, इसलिए वो मुखम्मस की हयत में था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ दो मिसरा मिलकर एक शेर हो रहा है, इसलिए साथियों ये मसनवी की हयत में है। और आई होप के आगे मैं आपको समझाऊंगा कि मुसद्दस की हयत में कौन कौन सी नज्में हैं, मुसल्लस की हयत में कौन कौन सी नज्में हैं। ओके साथियों, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा साथियों। ओके चलिए, हमें लगता है कोई ज्यादा आपको दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। साथियों हमने क्या पढ़ा कि मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश जो है वो साथियों 1830 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, और साथियों इनकी जो वफात है 1910 ईस्वी में साथियों कहां हुई थी, तो इनकी 1910 ईस्वी में लाहौर में इनकी वफात हुई थी। किसकी साथियों? मोहम्मद हुसैन आजाद की। 1830 हमें इस तरह भी याद है कि नजीर अकबर आबादी की भी वफात जो है 1830 ईस्वी में ही हुई थी, और नजीर अकबर आबादी की साथियों पैदाइश जो है 1740 और ऑब्लिक में 1735 भी आप एनसीईआरटी के बुक के अनुसार याद रखेंगे, लेकिन साथियों यूजीसी नेट जीआरएफ में 1740 वाला ज्यादा अहम है, इसलिए आप इसको यहां पर याद रखेंगे। ओके चलिए, अब कुछ सवालात हैं और उसका आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक में है साथियों, नज्म से मुराद होती है वो नज्म जिसमें क्या हो, रदीफ काफिया की पाबंदी न हो, बहर का कोई ख्याल न रखा जाए, वजन से इज्तिनाब किया गया हो, रदीफ को हजफ कर दिया जाए। चलिए बताइएगा साथियों क्या होगा राइट आंसर। जी चलिए सभी लोग बताएंगे साथियों, नज्म से मुराद होती है वो नज्म जिसमें, ये पूछा हुआ सवाल आता है। देखो थ्योरी बेस्ड जो भी क्लास होंगे साथियों उसमें तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि ये तो बहुत इजी है, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं। जब इसको साथियों सारे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया जाएगा, सारे सवालात आपके सामने रहेंगे, तो फिर उस समय आपको थोड़ी सी दुश्वारी और दिक्कत होगी साथियों। ठीक है चलिए बताइए साथियों क्या होगा राइट आंसर। साथियों नज्म से मुराद वो नज्म जिसमें रदीफ काफिया की पाबंदी न हो, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, जी दो नंबर में है, शायर रुमान किसे कहा जाता है, शायर रुमान किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में अख्तर शीरानी, ऑप्शन नंबर बी में है मजाज लखनवी, और ऑप्शन नंबर सी में है जे क्या है जोश मलिहाबादी, और ऑप्शन नंबर डी में है आनंद नारायण मुल्ला। जी शायर रुमान किसे कहा जाता है, बताइएगा साथियों क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, शायर रुमान किसे कहा जाता है साथियों, तो अख्तर शीरानी को कहा जाता है शायर रुमान, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। जी जी ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर थ्री में है, किस शायर ने आगरा को सबसे ज्यादा शोहरत बख्शी, गालिब ने, मीर ने, और उसके बाद आगे है साथियों नजीर अकबर आबादी ने, और उसके बाद है जौक ने। किस शायर ने आगरा को सबसे ज्यादा क्या बख्शी साथियों, शोहरत बख्शी, तो साथियों आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नजीर अकबर आबादी। ठीक है साथियों नजीर अकबर आबादी। अगला क्वेश्चन है चार नंबर में, नजीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा क्या है, मर्सिया है, मुसद्दस है, मुरब्बा है, मुखम्मस है। अब ये सवाल तो आपके मन में साथियों
बिल्कुल इसके जो क्या कहते हैं हल्की, बिल्कुल हल्की ये सवाल हो गई है जी। ये सवाल का वजन जो है बिल्कुल आप कह सकते हो कि 100 ग्राम से भी कम हो गया जी। चलो बताओ साथियों, नज्म आदमी नामा क्या है? तो ये साथियों मुखम्मस है, क्योंकि इसमें 5 मिसरे मिलाकर एक शेर बन रहे हैं। तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, उर्दू में अवामी शायर का नुमाइंदा शायर कौन है? उर्दू में अवामी शायर का नुमाइंदा शायर कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी में मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर सी में नजीर अकबर आबादी और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। क्या होगा साथियों? जी नुमाइंदा शायर साथियों, जी अवामी शायर का नुमाइंदा तो नजीर अकबर आबादी को माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया? चलिए बताइएगा साथियों। देखो मैं ऑब्जेक्टिव कम लगाता हूं इसलिए कि आपका एग्जाम जो है वो फरवरी मार्च अप्रैल तक में होना है, तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट थ्योरी बेस आपको नोट्स मिल जाए, फिर तो ऑब्जेक्टिव। साथियों ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए बनाकर नहीं ला सकता हूं, सबसे आसान तो ऑब्जेक्टिव बनाना है साथियों, लेकिन मैं कम लगा रहा हूं इसलिए कि पहले आपका थ्योरी बेस जो है वो क्लास मुकम्मल हो जाए। उर्दू शायरी में सबसे साथियों मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो साथियों किसने किया? नजीर अकबर आबादी ने। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, नजीर अकबर आबादी कहां और किस सन में पैदा हुए? देखो साथियों कहां, अब इसमें बहुत गलती लोग करते हैं, लफ्जे कहां और अकबर आबादी लग गया तो लोग समझते हैं अकबर आबाद में ही पैदा हुए होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है लखनऊ 1734, ऑप्शन नंबर बी में अकबराबाद 1736 और ऑप्शन नंबर सी में है आगरा 1738 और ऑप्शन नंबर डी में है दिल्ली 1740 ईस्वी। नजीर अकबराबादी कहां और किस सन में पैदा हुए? तो साथियों 1740 में इनकी पैदाइश जो है दिल्ली शहर में हुई थी, याद रखेंगे साथियों। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, नजीर अकबराबादी कहां के रहने वाले थे? देखो क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा जा रहा है, 8 नंबर में है कि वो कहां के रहने वाले थे। क्वेश्चन में ये नजीर अकबर आबादी कहां के रहने वाले थे? आगरा के, दिल्ली के और ऑप्शन नंबर सी में अलीगढ़ के और ऑप्शन नंबर डी में है लखनऊ के। नजीर अकबर आबादी कहां के रहने वाले थे जी? तो साथियों दिल्ली के रहने वाले थे। ठीक है, आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 9 नंबर में, मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब और कहां हुई थी? अरे मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश याद रखना है तो साथियों ये तो बहुत इजी है और आसान है आपके लिए जी। चलिए मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब और कहां हुई थी? 1910 ईस्वी लाहौर में जी, 1840 ईस्वी लखनऊ में, 1830 ईस्वी दिल्ली में और 1910 ईस्वी अजीमाबाद में, बताइएगा जी। तो साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश जो है साथियों 1830 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोहम्मद हुसैन आजाद की वफात कब और कहां हुई थी? वफात पूछा जा रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है 1830 ईस्वी अजीमाबाद, ऑप्शन नंबर बी में 1910 ईस्वी लाहौर और ऑप्शन नंबर सी में है 1839 ईस्वी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं जी। जी तो मोहम्मद हुसैन आजाद की जो साथियों वफात है वो 1910 ईस्वी में लाहौर में हुई थी, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो साथियों इस तरह टोटल 10 सवाल थे, और कैसा लगा आज का ये वीडियो सभी लोग बताएंगे साथियों। अगर आप में से कोई भी यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में आप एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर यूपी से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर साथियों आप इंटर मैट्रिक या फिर सहायक अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके 8292034397 पे साथियों आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको साथियों सारे पीडीएफ और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे
और टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सकेगी। साथियों सभी लोग बताएंगे कैसा लगा वीडियो, जी बताइएगा। अगर आपके कुछ कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। आज तो मैं देख रहा हूं कि अभी वाले क्लास में 9 बजे वाली क्लास में बिल्कुल कैमरा का जो है फोटो वगैरह भी बहुत साफ है, हालांकि 3 बजे क्लास में बहुत धुंधला टाइप का दिख रहा था, तो अब तो वो सब चीज ठीक है जी। मेरा मिस हो गया है क्वेश्चन सर, नेट नहीं चल रहा है था कुछ सर डियर, तो नेट तो आप उसको नेट को बचा के रखिएगा तभी तो चलेगा। ओके ठीक है एजाज अहमद, ठीक है चलिए ठीक है, बहुत अच्छा एमडी अकबर अली, बहुत अच्छा सर। और सर जेआरएफ के लिए उम्र की कितनी मुद्दत होनी चाहिए असगर अली कासमी? मैक्सिमम जो है वो आपका 30 ईयर यानी 30 साल। सीटेट की तैयारी करवाइए सर प्लीज, साजिया गया। इंशाल्लाह एक दो दिन में उसका अलाउंस आ जाएगा। और सर हमको नेट की तैयारी करनी है शगुफ्ता बेगम, तो आपको करनी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जुड़ जाइए, और आगे आने वाले में जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगा और उसका पूरा फॉर्म वगैरह सब चीज आप घर बैठे यहां से भी फिलअप कर सकते हैं, या अगर आप खुद से कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। बाकी तैयारी के लिए आप डेली साथियों क्लास करते रहे। एक बात साथियों मैं आपको आपके क्लासमेट होने के नाते एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं कि साथियों हम लोगों के दिमाग में ये बात बैठी होती है, हम लोग ये सोचते हैं कि अभी तो एग्जाम का फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ है, अभी तो एग्जाम का डेट आएगा उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा तब हम तैयारी करेंगे। तो याद रखना साथियों जब वक्त करीब आ जाता है तो उस वक्त आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप पहले से इतनी लंबी चौड़ी इसकी सिलेबस है और इतना लंबा इसका साथियों क्या है पूरे तैयारी आपको करनी पड़ेंगे, तो आप पहले से तैयारी करके रखिएगा तब तो साथियों आप रिवीजन कर पाओगे, तब तो आप एग्जाम निकाल पाएंगे। और अगर आप सोचते हो कि नहीं एक दो महीना रहेगा तब मैं तैयारी करूंगा, बस ऐसे ही जाके फॉर्मेलिटी निभा देंगे, तो तब तो मुमकिन है साथियों आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कहां से सवालात आए, क्या पूछा गया, क्या हमने आंसर दिया, ये आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये मशवरा दूंगा कि आप डेली क्लास करिए। मैं नगा नहीं करता हूं क्लास, एक दो तो होते हैं, लेकिन आप डेली क्लास करो और देखो साथियों लास्ट में आपके अंदर कितना निखार आएगा, कितना बदलाव आएगा, और कितने अच्छी तरीके से आप सवालात की गहराई तक पहुंचने के आपके अंदर मादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे ये मशवरा दूंगा कि आप डेली क्लास करो साथियों, डेली से आपको बहुत फायदा होगा। रेगुलरिटी जो है ना ये बहुत बड़ी चीज है साथियों, जब तक आप किसी भी चीज में रेगुलर नहीं होइएगा उस वक्त तक उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, जी ठीक है साथियों, फर्स्ट पेपर के और भी बहुत सारे यूट्यूबर तैयारी करा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं एमडी सादिक सलाम, देखो वो जो है ना आप 1857 में उर्दू अखबार बंद हो गया था और नाम भी बदल गया था उसमें, और आप डेट में जाएंगे ना साथियों उसमें डेट भी मेंशन है ना 12 जुलाई इस तरह करके है, तो आप डेट का फर्क पड़ेगा आपको वहां से। ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए।